इंडिया की फील्डिंग बेकार, बैटिंग बेकार, सबसे पहले तो ईशान किशन को लेना चाहिए था गेल के जगह पे, वो गलती की सबसे पहले, जब पता था इंजर्ड है तो उसको लेना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल बेकार, एक तो उनकी वो क्या नाम है वाइफ पहुंच जाती है, अपना शतक बनाने का चक्कर में लगे हुए हैं वो, और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। कोई बात नहीं, वो बहुत बहुत अच्छी टीम है और हम उनके साथ हैं, और नेक्स्ट टाइम जब भी मतलब वो खेलेगी तो डेफिनेटली वो जीतेगी। और जो क्यूमिंस ने बोला वो उसने कर दिया, बट कोहली के आउट होती हम सबके मुंह पे मतलब एक उदासी सी आ गई, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम वर्ल्ड कप हमारा ही होगा। मतलब मेहनत तो उन्होंने करी है स्टार्टिंग से, देखा होगा आपने भी 11 मैच हुए तो 11 मतलब 10 मैच उन्होंने जीते हैं, अभी लास्ट थी, उम्मीद तो सबको थी कि ये वाला भी जीतेगी, लेकिन कोई बात नहीं, यही थोड़ी सी गलती रही उनको, पहले स्पिन के साथ सिराज को देना चाहिए था, जब उनको 3-3 ओवर तक विकेट नहीं मिला तो उनको सिराज को लगा देना चाहिए था। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 6 विकेट से हराया, इस पर जो क्रिकेट फैंस हैं उनका क्या रिएक्शन है, कितना बुरा लगा, इस बारे में हम ज़रा लोगों से बातचीत करेंगे। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके दिल का हाल। कहेंगे हैं कि विराट कोहली सबसे बेकार खेले, बिल्कुल बेकार, एक तो उनकी वो क्या नाम है वाइफ पहुंच जाती है, अपना शतक बनाने का चक्कर में लगे हुए हैं वो, और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है, वैसे नहीं होता, पहले कि उनके खेलने में सबसे बेकार किए हैं ये लोग, कैप्टन जो रोहित शर्मा है, पहले कम से कम उनको आराम से खेलना चाहिए, ओपनर थे तसल्ली से खेलना चाहिए, कोई भागा तो नहीं जा रहा था, मारते गए आउट हो गए खुद को, इनसे 300 रन नहीं बन पाया। सबसे ज़्यादा आपको कमी विराट कोहली में उसको तो मैं कहता हूँ हटाना ही चाहिए। अरे वजह क्या, वो खाली अपना सेंचुरी में लगा रहता है, और तो देखना चाहिए कम से कम। मतलब आपका सबसे ज़्यादा मैच को हारने का जो विराट कोहली के अलावा अगर आप किसी को देखना चाहें, मतलब ये तो विराट कोहली को तो आप पसंद ही नहीं कर रहे हैं, नहीं, तो आप किससे उम्मीद कर, अब उम्मीद कब, आगे जो जो जनरेशन आएगा उससे उम्मीद करेंगे, इन लोगों को तो हटाना ही बेकार, नहीं ये बेकार है। अभी जब दूसरा वर्ल्ड कप आएगा दोबारा तो उसमें आप किसको देखेंगे? इन विराट कोहली को तो होना ही नहीं चाहिए, रोहित शर्मा हो जाए वो सही रहेगा, वो भी नहीं होंगे तो आगे और कोई आएगा, और कोई आएगा। मैं तो क्लास ले रहा था आकाश में, उसके बाद भी कुछ बीच बीच में देख रहे थे, इंडिया की फील्डिंग बेकार, बैटिंग बेकार, सबसे पहले तो ईशान किशन को लेना चाहिए था गेल के जगह पे, वो गलती की सबसे पहले, जब पता था इंजर्ड है तो उसको लेना ही नहीं चाहिए था, अब उसका वो गलत आउट होकर के सबको पीछे से बुला लिया पवेलियन, चैंपियन खोल रखी है भाई, शुरू हो गए आ जाओ, तो इतना बकवास खेला है, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो फाइनल खेल रहे हैं। मेहनत में कमी लगी या कैप्टेंसी में कमी लगी, किस चीज़ में? कैप्टन क्या करेगा जब पूरा प्लेयर ही काम नहीं कर रहा है, फील्डिंग बेकार, चौका जा रहा है छोड़ पता नहीं चल रहा है, मतलब जैसे ऐसे पकड़ रहा है जैसे मछली पकड़ रहे हैं, ठीक है ग्राउंड में ऐसे लग रहा है, लग ही नहीं रहा था कि इंडिया टीम है जो वर्ल्ड का नंबर वन टीम है, बिल्कुल नहीं लग रहा था, उनका यही लग रहा है कि बस जैसे तैसे मैच जो है फिक्स हो गया है, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर आया उसको गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक जो क्रिकेटर आया उससे डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा फील हुई कि पहली बात तो है कि दो प्लेयर जो थे श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, सॉरी वो क्या कहते हैं गेल, ये दोनों ने मैच का बेड़ा गर्क किया स्टार्टिंग में, ठीक है, ऊपर से जो इन्होंने मैच खिला रहे हैं वर्ल्ड कप फाइनल है तो उसमें 4 बॉलर लिया इन्होंने, जबकि 5 रेगुलर बॉलर होने चाहिए, एक पार्ट टाइम जडेजा को लिया वो भी कुछ नहीं किया, मैच स्टार्ट होने से पहले तो भाषण दे रहा है ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, और मैच स्टार्ट होने के बाद कुछ नहीं किया उसने, ठीक है, तो मतलब मिला जुला के बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने अनबीटेबल 10 मैच जीत करके फाइनल में आए थे तो 100% हमें जीतना था, लेकिन वो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं किया, वहाँ पर कैप्टन अगर धोनी होता तो मैच हम जीत जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ हर सारे प्लेयर कोई भी अपने एफर्ट्स नहीं दिखाया वहाँ, आधा मतलब स्टार्टिंग के 3 विकेट के बाद तो ऐसा लग रहा था कि मैच वन साइडेड हो गया। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर हो। इस बात का प्रेशर तब होता है जब हम 3-4 मैच हार करके आते हैं, जब हम ऑलरेडी 10 मैच जीत चुके हैं तो कॉन्फिडेंस पूरी हमारे पास है, तो उसमें प्रेशर किस बात का, प्रेशर तो ऑस्ट्रेलिया के पास था क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो सेमीफाइनल जीत करके आया है, और लीग मैच भी एक हार गया है वो भी एक नॉर्मल टीम से,
तो इसलिए प्रेशर उसके ऊपर था, प्रेशर हमारे ऊपर तो था ही नहीं, बल्कि हमने तो ओवर कॉन्फिडेंस में काम किया, बड़ा घर कर दी पूरा। कल का मैच आपने देखा था? हाँ बिल्कुल, पूरा मैच देखा था मैंने। क्या फिर क्या फीलिंग आई? कुछ नहीं, बुरा तो लगा कि टीम इंडिया हार गई, बट ऐसा नहीं है, टीम इंडिया ने लगातार मैच जीते हैं और कोई बात नहीं, वो बहुत बहुत अच्छी टीम है और हम उनके साथ हैं और नेक्स्ट टाइम जब भी मतलब वो खेलेगी तो डेफिनेटली वो जीतेगी और हमें उस पर पूरा भरोसा है क्योंकि वो हमारी इंडियन टीम है और वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा कहाँ बुरा लगा कि जब हार गई, किस पे आप ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं किसको? देखो, हमारी इंडिया टीम ने, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो शमी हो, चाहे वो भुवनेश्वर, उन्होंने मतलब अपना, बुमराह हो, उन्होंने अपना 110% दिया। ठीक है, लक था, नहीं हुए, बट नेक्स्ट टाइम 200% वो जीतेगी नेक्स्ट टाइम। लेकिन विराट कोहली के चांसेस नहीं है खेलने नहीं, के तो आप? नहीं है, बिल्कुल विराट कोहली खेलेंगे, अभी इतनी जल्दी हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। आई नो एज का है, बट हाँ नेक्स्ट टाइम खेलेंगे और नेक्स्ट टाइम हम जीतेंगे और हमारी इंडिया टीम बेस्ट है। मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उतनी नहीं रही। अनएक्सपेक्टेड कैच पकड़ी रोहित की, मुझे लग नहीं रहा था वो पकड़ेगा, पर उसने, और जो क्यूमिंस ने बोला वो उसने कर दिया। बट कोहली के आउट होते ही हम सबके मुंह पे मतलब एक उदासी सी आ गई, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम वर्ल्ड कप हमारा ही होगा। कि इंडिया टीम की जो मेहनत है उसमें आपको कमी महसूस हुई ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में? मेहनत तो सबने ही करी थी, बट वही था, उनका शुभम गिल का बल्ला नहीं चला और जो शमी से हमें एक्सपेक्टेशंस थी कि वो विकेट निकालेंगे, पर उतना हुआ नहीं और हमने हार्दिक को बहुत मिस करा, अगर वो होते तो ज़रूर मारते जी। आपका क्या कहना है? कोई बात नहीं, अगर इंडिया नहीं जीती तो भी, क्योंकि उन्होंने लगातार सारे मैचेस जीते थे, अगर एक नहीं भी जीता तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। नहीं, क्योंकि उन्होंने सारे मैच वैसे भी जीते ना, तो एक हार गए तो क्या हो गया। अच्छा, किसी क्रिकेटर से आपको कोई एक्सपेक्टेशन है कि हाँ ये आगे चल के कुछ अच्छा कर सकता है वर्ल्ड कप के लिए? विराट कोहली डेफिनेटली। नहीं, शुभम गिल भी अच्छे हैं, वो भी कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। सूर्य कुमार यादव भी है, वो भी काफ़ी अच्छा खेल सकता है नेक्स्ट वर्ल्ड कप में। बस यही, इंडिया अब आगे जो भी वर्ल्ड कप होगा मे बी क्या जीतेगी इंडिया। नहीं, फैसला रोहित गलत लेता नहीं है वैसे, रोहित कैप्टन रोहित शर्मा की कप्तानी पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो लक था कि वो नहीं चला, बट इतने मैचेस कंटिन्यूसली इंडिया जीती है तो रोहित शर्मा की कैप्टन की ही वजह से नहीं। इंडिया देखो, वो लक था। अब अच्छा, तुम अगर ये कहोगे कि इंडिया वर्ल्ड कप हार गई तो उससे कंटिन्यूसली जो 10 मैच जीते थे तो उसके लिए भी तो उसको अप्रिशिएट करो कि हाँ उससे कंटिन्यूसली मैच जीते थे। एक मैच अगर हार गई तो उसके लिए उसको ट्रोल करना, वो चीज़ ठीक नहीं है। इतनी टफ फील्डिंग में भी अगर इंडिया ने 241 रन मार दिए तो ये बहुत बात है, बहुत बड़ी बात है और हम हमेशा इंडिया साथ रहेंगे और नेक्स्ट टाइम वो पक्का जीतेगी। कोई वो नहीं है क्योंकि रोहित शर्मा अपना कैप्टन कौन है, रोहित शर्मा डॉन है। हमें मैंने बहुत बना रखे थे, सबसे बड़ा खतरा कोहली भाई का 18, बट कोई नहीं, मैं बोल भी रही थी IPL भी देखती हूँ, IPL में देखते हैं कौन जीतता है। हारी है वर्ल्ड कप लेकिन हमें उनकी मेहनत पे पूरा भरोसा है, बहुत बहुत भरोसा है हमें उनकी मेहनत। क्या लगता है आपको कल के मैच देखने के बाद कैसा लगा इंडिया तो कल हार गई? मतलब मेहनत तो उन्होंने करी है स्टार्टिंग से, देखा होगा आपने भी 11 मैच हुए तो 11 मतलब 10 मैच उन्होंने जीते हैं अभी लास्ट ही। उम्मीद तो सबको थी कि ये वाला भी जीतेगी, लेकिन कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से ही उनको जो है, जो रोहित शर्मा आउट हुआ वो थोड़ा गलत हुआ। क्या लगता है आपको कि इस मैच में ये जो हार हुई है कौन जिम्मेदार आपको थोड़ा लगता है कि कमी रह गई है आप जिम्मेदारी? कमी तो किसी की तरफ से भी नहीं है, लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग करी है उस टाइप की फील्डिंग अगर इंडिया करती तो चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं जीतने के। इंडिया की फील्डिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी लगी, फील्डिंग में दिक्कत लगी और लास्ट में जो बॉलिंग भी थोड़ी कुलदीप की जो डाउन हुई उसकी वजह से भी। अच्छा, कौन सा प्लेयर जब आया था बैटिंग करने तो उम्मीद लगी कि हाँ ये अच्छा कर सकता है, जीतने के चांसेस ज़्यादा? पहली तो रोहित शर्मा ही था, अच्छा स्टार्टिंग से उसने अच्छा फेस बनाया तो उसी से उम्मीद थी, और एक विराट था, उनको भी थोड़ा गलती से ही आउट हो गए, वैसे तो आउट होते नहीं। आपने देखा था? नहीं। आपने देखा था कल का मैच? नहीं देखा। आप लोगों ने देखा था कल का मैच? किसी ने भी नहीं देखा कल का मैच?
बुरा लग रहा है सबको। आप लोगों ने देखा था कल का मैच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच? देखा था बट कम ही देखा था। हाँ तो इंडिया तो फाइनल में जाके हार गया, क्या कहेंगे? बट अपना बेस्ट दिया इंडिया ने, लेकिन अब वो गेम है, गेम की तरह लेंगे, हार जीत तो चलती रहती है। कितनी मतलब थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट फील हुई जब इंडिया हारा था? थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा हुई थी, बहुत ज़्यादा हुई थी। किससे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अच्छा? कोहली, मैं नहीं, सभी कर रहे थे। हाँ और जहाँ तक मुझे लगता है आप भी कर ही रहे होंगे अगर आपने मैच देखा होगा तो। अच्छा आपको क्या लगता है कि किसके में कमी रही होगी, या इंडिया टीम के मेहनत में कमी रही है, या किसी क्रिकेटर में कोई कमी रही है जिस वजह से हम हारे हैं? नहीं, मेहनत तो किसी में किसी चीज़ में नहीं लगी कि जो इसमें कमी लगी हो, सबने अपना बेस्ट ही दिया। बट गेम है, चलता है, कभी हारता है कभी जो जीतता है, बस यही है। मैच का यही है कि देखिए जो इंडिया है उसका जो टोटल था क्या है, वो नंबर वन टीम थी, नंबर वन फॉर्म में थी, 10 के 10 मैच पूरे के पूरे जीती थी। वैसे तो विनर वही है, ऑस्ट्रेलिया को हरा भी चुकी है सीरीज में, लेकिन कल का प्रेशराइज बहुत ज़्यादा हो गया था, यही प्रेशर ज़्यादा हो गया था। बाकी अपना एक ही प्लेयर है रोहित शर्मा, जो अपना कैप्टन है, अपना फेवरेट प्लेयर है, वो आउट होते ही फिर दिल टूट गया था अपना, उम्मीद टूट गई थी। रोहित शर्मा के आउट होते ही उम्मीद टूट गई थी। बाकी वैसे एक तरह से कहा जाए तो विश्व विजेता वही होता है जो कि 9 के 9 मैच जीत गया, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी ऑलरेडी इंक्लूड था, तो विश्व विजेता तो थी, लेकिन एक फाइनल का नाम दिया गया था एक स्पेशल मैच को जो कि प्रेशराइज होता है ना। अब ऑलरेडी 5 बार की विनर थी ऑस्ट्रेलिया, तो एक वो अलग प्रेशर हो गया था, और एक होम टाउन का अलग प्रेशर होता है। जो मेहनत में आपको कोई कमी लगती है कि? मेहनत में जी, इस टाइम नंबर वन टीम, आप एक वर्ल्ड जो कल वर्ल्ड कप के फाइनल का डिसीजन को हटा दिया जाए तो हर एक चीज़ में इंडिया नंबर वन पे है। बॉलिंग विकेट्स ले लो, नंबरिंग ले लो, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले शमी, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली, हर एक चीज़ में सबसे ज़्यादा रन रेट, पॉइंट, ऑल मैच विनर, सब में नंबर वन है। बस वो एक फाइनल मैच का डिसीजन था जिसमें कि वो प्रेशराइज हो गया था। रोहित कोहली का लास्ट वर्ल्ड कप नहीं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि रोहित शर्मा का एज ए कैप्टन ये लास्ट वो था, फर्स्ट एंड लास्ट था। अब शायद उनको कैप्टेंसी में वर्ल्ड कप मिले तो रोहित शर्मा का ज़्यादा दिल टूटा है, और वो एक तरह से कह लो कि हमारा भी दिल बहुत ज़्यादा टूटा है, क्योंकि जब वो आउट हुए थे उसी टाइम ख़त्म कहानी हो गई थी। अच्छा, इसके बाद जब जो वर्ल्ड कप होगा, विराट और रोहित शर्मा के अलावा अगर आप किसी क्रिकेटर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो वो कौन है? देखिए अभी अभी तो सबसे ज़्यादा अगर रोहित शर्मा के बाद अगर देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव है, जो कि आने वाले टाइम में, लेकिन कल उनका भी बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस गया है। कल उन्होंने भी फैंस का बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जी इसलिए फेमस हैं कि भाई लास्ट के 10 ओवर में अच्छा रन रेट निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कल एक रोहित शर्मा को छोड़ दिया जाए तो कोई भी अपने उस पर खरा नहीं उतरा। अपनी जो जिम्मेदारियाँ होती है, जो लाइबिलिटी जो होती है, कोई भी खरा नहीं उतरा उस पर रोहित शर्मा के अकॉर्डिंग। सूर्य कुमार यादव क्या फेमस है, यही फेमस है भाई लास्ट के 10-15 ओवर में अच्छा खेलते, बढ़िया खेलता है, रन रेट 100 एवरेज, वही 100 स्टैग रेट 130-135 का होता है, लेकिन कल सबसे गंदा खेल खेला सूर्य कुमार यादव ने। जी बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, आधे से ज़्यादा हमारे, बल्कि मैं ये बोल दूँ कि ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, हम लोगों ने तो रात को खाना भी नहीं खाया था, है ना, वैसे ही सो गए थे। हमारी मिनिस्ट्री में भी हर तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे, एक दिल से लगा लिया था ना, ऐसा नहीं कि हम लोग सट्टा सुट्टा खेलना या मैच पे, एक दिल से लग गया था मैच। कल के मैच को आपने देखा था? बिल्कुल देखा है मैम। क्या कहेंगे कल? बहुत बढ़िया मैच था, काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा मैच, और ठीक स्कोर तो ज़्यादा नहीं कर पाए, बट पिच सही से वो कर नहीं पाए, क्या कहते हैं, रीड नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया खेले, ठीक रहा वो। कहीं कमी नज़र आई कि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मेहनत किया होता, ऑस्ट्रेलिया से बेटर होता तो शायद हम जीत जाते? नहीं, स्ट्रगल तो किया नहीं, जीत तो जाते, बट थोड़ा वो स्पिनरों को ना वो नहीं मिला, क्या कहते हैं, विकेट नहीं मिल पाई उनको, क्यों ड्यू आ गई, बॉल पूरा गीला हो गया तो स्पिन नहीं हो पा रही थी वो, अगर एक आध विकेट निकलती ना फिर वही सारी टीम उनकी नीचे आ जाती। आपकी नज़र में भी ऐसा कोई लगता है कि कोई दोषी हो, कोई क्रिकेटर जिसकी वजह से मैच हम हारे हैं? नहीं नहीं, सारे सही खेल रहे हैं, बढ़िया हैं और अच्छे क्रिकेटर थे, टीम बहुत बैलेंस थी, वर्ल्ड कप फर्स्ट से लेकर लास्ट तक वहाँ तक पहुँचे हैं ये लोग, तो ऐसे नहीं पहुँचे हैं वो, बस ये है कि थोड़ा सा दिल
ब्रेक हो गया थोड़ा सभी का, करोड़ों आदमियों का, लेकिन ठीक रहा, बढ़िया खेल रहे, अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। यही थोड़ी सी गलती रही, उनको पहले स्पिन के साथ सिराज को देना चाहिए था। जब उनको 3-3 ओवर तक विकेट नहीं मिला तो उनको सिराज को लगा देना चाहिए था। सिराज लगते तो अच्छा रहता, वो स्पिन यहाँ एक साइड से स्पिन चलती है, एक साइड से तो मूवमेंट थोड़ा चेंज होता, क्या होता विकेट हाथ में आती। हाँ, लेकिन स्कोर ठीक ठाक ही था, क्योंकि वहाँ पे वो उनका हेड, जो इनका जो नया ओपनर था, जो वो हेड बहुत अच्छा खेला वहाँ पे, उसने काफ़ी चीज़ रीड की और परफॉर्मेंस भी 3-4 उससे आ नहीं रही थी ऑस्ट्रेलिया की, ऊपर वाले जल्दी डाउन हो रहे थे, तो उन्होंने गेम बहुत अच्छी तरह रीड करके बहुत बढ़िया खेला है। तो देखा आपने कि हमने कुछ फैंस से बात की, कुछ लोग इंडियन टीम की संघर्ष की सराहना कर रहे हैं तो कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हैं कुछ प्लेयर से। अब देखना ये है कि 2024 में चैंपियन ट्रॉफी इंडिया जीत पाती है या नहीं जीत पाती है। कैमरा जन प्रशांत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।